नेहा जी सेंटर आइए नेहा जी। और अंदर है ना, तू अंदर है ना भाई? यहाँ पर 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 सेंटर। अरे क्या बात है, अरे 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 डिम्पल तुम्हें पीछे लेना भाई। नेहा जी इधर, नेहा जी, नेहा जी भाई, नेहा जी सेंटर, नेहा जी चश्मा लगा दो। नहीं नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, नेहा जी यहाँ पे सेंटर है। नेहा जी राइट राइट, नेहू सामने। वेट 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 मैम रुको ना, खेल खेल में दो लाइन हो जाए। थैंक यू। नया वेट बराबर गया ऊपर ऊपर। ओ भाई, ए भाई खेल भी तो करने दो भाई। अरे ना तो गैस क्यों नहीं किया भाई उसने? क्या मत सेंटर चलेगा, छुपेगा सामने आदित्य भाई सामने आपके भाई राइट। सेंटर में आ खेल खेल में बस दुर्गेश क्या मोबाइल फर्दीन से सामने, फर्दीन से सामने इधर नहीं चल। अरे सर सर यहाँ पे सर फर्दीन सर सर यहाँ पे सर सेंटर सर यहाँ पर सर फर्दीन सर यहाँ पे सब पोस्टर पोस्ट भाई गिम्बल पे फर्दीन सर सब पोस्टर पोस्ट सर आपके पोस्टर पे आइए ना नीचे नीचे सर सेंटर सर सेंटर में सर सेंटर में आइए ना फर्दीन सर सेंटर में थोड़ा सर यहाँ पे सर नीचे अरे अरे तू कैमरा ऊपर लेना भाई, ऊपर लेना है को ले रही सर। थैंक यू सर, थैंक यू कौन? थैंक यू प्रज्ञा जी सेंटर में
अन्य राइट प्रज्ञा प्रज्ञा सेंटर सेंटर प्रज्ञा यहाँ पे मैम ऊपर मैम ये मोबाइल अन्य राइट प्रज्ञा जी यहाँ पर बस यहाँ पर रुकिए वेट यशवाल जी इधर थोड़ा और राइट में आइए ना लेफ्ट में आपके हाँ बस बस राइट में आपके थैंक यू मैम ओके थैंक यू ऐसा करो ये ऊपर यहाँ पर सेंटर ऊपर यहाँ पे नीचे सामने इधर खेल में यहाँ पे नीचे कैमरा रखो ना कैमरा पीछे ना पीछे आ खा देते ना कोई नहीं रीवा इधर आओ सेकंड मार देश की इंग्लिश रीवा इधर सेंटर आपके सामने थैंक यू अरोरा Thank you. Nice for her. There comes the gorgeous lady, ladies and gentlemen. Welcome, Tapsee. And don't miss that gulab in her hand, yeah, ladies and gentlemen. Welcome, Tapsee. So good to see you. Yeah. और तापसी के साथ साथ यहाँ पे बुलाना चाहूंगा उन्हें जिन्होंने ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर्स का ठप्पा अपने ऊपर लगवा लिया है ही इज जस्ट किलिंग इट मतलब वो कुछ भी कर रहे हैं अच्छी खबर बन जा रही है गिव इट अप फॉर एमी विर्क पाजी लेडीज एंड जेंटलमैन तालियां बजती रहनी चाहिए यार आई नो यू गाइस हैव ऑफ कोर्स पाजी वेलकम वी वांटेड दैट लंबा रास्ता ऑफ कोर्स सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मोमेंट बन रहे हैं यहाँ पे तापसी मेरा पहला सवाल आपसे ही है और वो सिर्फ इतना सा है कि एक तरफ आप बात कर रहे हो इश्क की इंतकाम की दूसरी तरफ यहाँ पे यारों की बात कर रहे हो सो व्हाट इज लाइक सबसे ज्यादा क्या सूट करता है वो इश्क इंतकाम बदला या ये जो खेल खेल में हो रहा है अभी इसकी बात करते हैं मैं रानी अवतार में बाद में आऊँगी खेल खेल में तो आई थिंक खेल खेल में ही पिक्चर बनी ऐसा लग नहीं रहा था कि हम कुछ हैवी ड्यूटी शूटिंग कर रहे हैं दोस्तों के साथ पिक्चर बनाई है तो वो दोस्ती दिखेगी आपको पिक्चर में जितने प्यार और दोस्ती से पिक्चर बनाई है वो सारा प्यार आपको दिखेगा दोस्ती दिखेगी और दोस्ती में कैसी कैसी लड़ाइयाँ होती हैं वो भी दिखेंगी
तो ये बहुत एक प्यारे दोस्त ने लिखी है, डायरेक्ट करी है, और हम सब दोस्तों को एक साथ लेके आया है जो इंसान आ डायरेक्टर, आप मिलेंगे उनसे. सो या, सो इट्स ऑल हिम. सो या, गुड लक, हमारे को विश कर दो प्लीज़. हम बहुत क्रिटिकल डेट पे आ रहे हैं. तो प्लीज़ हमारे को गुड लक विश कर देना प्लीज़. थैंक यू. आई एम श्योर आप खेल खेल में वहाँ भी किल कर जाओगी. पाजी, एज आई सेड, जो भी कर रहे हो आप, अच्छी खबर हो जा रही है. हम मिले थे एक पंजाबी फिल्म के बाद, एक हिंदी फिल्म के लिए भी वापस यहाँ मिल रही है. यू जस्ट रूलिंग द बॉक्स ऑफिस. व्हाट डू यू हैव टू से? हेलो गाइस, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत प्यार. आप इतनी बारिश में भी आए, लेकिन आप तो यूज टू वो हो ना बारिश के, तो लेकिन फिर भी हमें तो बहुत लग रही है भाई आपको. हम तो, हमारा तो कहना फ़र्ज बनता है, इतनी बारिश में भी आ रहे हो. हालांकि गाड़ी पे आए होंगे या मतलब कैमरे वैमरे नहीं भीगे होंगे आप लोगों के. सो वी थैंक यू सो मच. बहुत बहुत प्यार आप लोगों का. और पिछले हफ्ते हमारी फिल्म आई, आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया. उससे पहले भी मैं 10-15 दिन के लिए यहाँ पे आया था, मेरी पंजाबी मूवी की स्क्रीनिंग या प्रेमियर के लिए, तो आप लोगों ने तब भी इतना ज़्यादा प्यार दिया. और आज हमारा एक गाना लॉन्च है, आप फिर भी आए हो इतना प्यार. उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट हफ्ते तक ट्रेलर रिलीज़ होगा, फिर भी आप लोग आओगे. मतलब आप बहुत ही वेले हो. नहीं सॉरी, मजाक कर रहा था. तो गाइज, मैं सचिन आप लोगों को बहुत 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 ही प्यार भेज रहा हूँ सबको. और हमारी टीम के लिए एक बार ज़ोरदार ताड़ियाँ. एक बार पता चल जाए ना कोई आया यार. वैसे तो इतनी कुक्का मारते हो आप लोग. थैंक यू सो मच. और जैसे मतलब तापसी ने बोला कि बहुत ही प्यार प्यार में फिल्म बनी है, सच में बहुत बहुत ही प्यार प्यार में फिल्म बनी है. ये जो प्रोग्राम है ना, ऐसे ही बन गया है. तो अभी हमने बातें बनाई नहीं है, वो हम धीरे 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 और 2-4-5 दिन में बनाएंगे. और नेक्स्ट वाला जो हमारी इंट्रोडक्शन होगी, उसमें कुछ अच्छी बातें और करेंगे. ये तो मतलब ऐसे ही हम आ गए हैं, तो आप हमें ऐसे ही देख लो और ऐसे ही बस अच्छा अच्छा लिख देना, ठीक है गाइस? तो पाजी अगले वालों को थैंक यू पाजी. खेल खेल में सब कुछ बोल दिया, सब कुछ कर दिया. इन दोनों के लिए एक बार जोरदार थालियां हो जाए. ऑफ कोर्स सॉन्ग लॉन्च के लिए आए हैं, सो इट इज ओनली फेयर कि अब मैं हमारे देश की, शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिकल स्टार्स ऑफ आवर कंट्री, लेडीज एंड जेंटलमैन, सुपरस्टार है वो अपने आप में. गिव इट अप फॉर नेहा कक्कड़. ओए होए 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 होए, हल्ला मचते रहना चाहिए यार. ऑफ कोर्स नेहा, सारे रास्ते तोड़ते हुए शीज लाइक मैं यहीं से आ जाऊंगी. अगर इसमें कुछ निकलने वाला है तो ये रखो, नहीं तो ये उठा दो. निकलेगा कुछ? अच्छा, वेलकम नेहा, सो गुड टू सी यू. मजा आ गया आपको यहां पे देख के, और इतना ही कहूंगा गाना सुन के भी बहुत ज्यादा मजा आ गया है ना. ये कमाल की कास्ट जब होती है. ऑफकोर्स वानी एंड अक्के पाजी भी हैं वहाँ पे, मुदस्सर साहब एक ब्रिलियंट डायरेक्टर, गुरु रंधावा, यो हनी सिंह, मतलब ये फुल पैकेज है यार. फुल पैकेज. और yes. जब आप गाते हो तो बवाल होता ही है. इस वो गाने तो के बारे में बताओ. वो तो खैर होता ही है. बट ये गाना जो है गुरु रंधावा उन्होंने बनाया है, और भूषण जी का मेरे पास कॉल आया कि ये गाना ऐसे ऐसे है एंड I would want you to do it. मैंने कहा okay सर, गाना भेज दीजिए और मैं जल्दी से सुन के आपको रिवर्ट करती हूँ. The moment I heard the song, I was like yes, I'm doing it. और इतना मज़ेदार, full of life है ये गाना. मतलब इसको सुनते ही आपको डांस करने का मन करता है. तो हाँ, I think it's gonna work well. I think लोगों को पसंद आएगा. And when you talk about T series or Neha Kakkar, the names are synonymous to chartbusters. यार ये तो होना ही है, है कि नहीं? अभी यहाँ पे बता देता हूँ, फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हो इसके लिए बड़े सारे कमाल के लोग साथ में आए हैं. Another actor जिन्होंने तब से लेके अब तक हम सब का दिल जीता, he's the ever so handsome. क्या बोलूं यार मैं, give it up for Fardeen Khan, ladies and gentlemen. जोरदार ताड़ियां, जोरदार ताड़ियां. मतलब अलग दीवानगी चल रही है यहाँ पे इनके लिए. Give it up for him, ladies and gentlemen. वेलकम फरदीन सर, वेलकम. वी टॉक अबाउट द फॉरबिडन फ्रूट, लेकिन यहां वो फॉरबिडन फ्रूट के साथ जो आपने किया अच्छा नहीं किया. व्हाई वुड यू डू दैट सर?
इंग्लिश, अभी इंग्लिश चेक करना. जब एडम और ईव मिलते हैं तो फॉरबिडन फ्रूट तो कहानी का बनता ही है ना. सर लेकिन बनता है, आप कहाँ मिलने दे रहे हो उनको, आपने तो बीच में ही. Yes, I'm the thorn in the rose. You're the thorn, of course, I'm sure. लेकिन यहाँ पे आपको देख के बड़े सारे गुलाब उड़ने वाले हैं, I'm sure on that. We'll definitely talk about your character that you're playing here. But before that, ladies and two very promising actors. एक, again, the very handsome, एकदम good-looking मुंडा, give it up for Aditya Seal, ladies and gentlemen. And with him, the very gorgeous Pragya Jaiswal, ladies and gentlemen. She's also here with us. एंड वो अपने आप में पैन इंडियन स्टार है, बिकॉज इससे पहले तेलुगु मूवीज में वी हैव सीन हर किल इट एंड नाउ शी इज ऑल सेट फॉर दिस. वेलकम आदित्य. ओहो हो, इतने सारे, इतने अच्छे अच्छे चेहरे यार यहाँ पे, और क्या चाहिए. इसीलिए नोबडी इज क्लैपिंग देयर लाइक हम शूट करेंगे इसको. आदित्य कंग्रेचुलेशंस प्रज्ञा, थैंक यू सो मच. क्विकली यू नो इफ यू हैव टू टॉक अबाउट दिस Kamal ki ensemble and this Kamal ki gathering right now, the song launch, what do you have to say? Don't have too much to say. काफी सबने सब सारी बातें बोली दी है, but honest to God, गाना एक तरफ है, जो हमें मजा आया वो एक तरफ है, but पूरी फिल्म में जब हमने शूट किया जो मजा आया हुआ है, I think the first thing जो अक्षय सर ने जब हम मिलके बैठ के एक टेबल रीड कर रहे थे, सर ने कहा था देखो बच्चे खेल खेल में पिक्चर खत्म कर देंगे हम, टेंशन मत लेना तू. मैंने कहा ठीक है सर, और लिटरली खेल खेल में ही वो फिल्म जो निकली है एंड उसका रिजल्ट अभी आप 15th को देखोगे. प्रज्ञा फॉर यू. गाइस दिस इज माय फर्स्ट हिंदी फिल्म एंड आज मेरी पहली हिंदी पिक्चर का पहला गाना लॉन्च हुआ है, सो आई एम ऑब्वियसली वेरी 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 एक्साइटेड, वेरी हैप्पी. और आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टू वर्क विद एन एनसेंबल लाइक दिस, द मोस्ट टैलेंटेड एंड द मोस्ट फन बंच ऑफ एक्टर्स. जैसे तापसी ने कहा था खेल खेल में मस्ती मस्ती में पिक्चर बन खत्म हो गई, और जब मेरा नाम बोलना, मेरा नाम बोलना मेरा फेवरेट है एमी. और ये काफी ऑर्गेनिक था जी. तो या भूल गई मैं क्या बोल रही थी. सो एनीवे बहुत ही खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट टू वर्क विथ वन ऑफ माई सबसे पुरानी दोस्त फ्रॉम द इंडस्ट्री. वी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ स्टार्टेड आवर करियर टुगेदर एंड सो मेनी वंडरफुल एक्टर्स, सो मच फन, सो वेरी प्रिविलेज्ड आल्सो टू बी डायरेक्टेड बाय मुद्दा सर. ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन दिस जॉनर, सो रियली लकी, थैंकफुल एंड प्लीज शो अस लॉट्स ऑफ लव एंड प्लीज वॉच द मूवी इन थिएटर्स ऑन 15th ऑफ ऑगस्ट. बस ये काम की बात हो गई यहाँ पे. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट. आई डेफिनेटली इनवाइट द डायरेक्टर साहब ऑन स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन. सो एक बार उनके लिए, जैसा मैंने कहा इंडस्ट्री के बड़े अजीज इंसान हैं, बड़ी कमाल का कंटेंट देते हैं, गिव इट अप फॉर मुदस्सर अजीज साहब लेडीज एंड जेंटलमैन. या या. एंड इसके बाद हम तैयार हो जाएंगे उस बड़े धमाके के लिए, बिकॉज वी हैव द बिगेस्ट म्यूजिकल स्टार हियर हमारे साथ, तो इतनी आसानी से किसी को छोड़ने वाले नहीं है हम. सर यार ये बहुत गलत है, मतलब हैंडसम आदमी फर्दी ना आया तो आप सब में तालियां बजाई, हूटिंग किया, ये आदमी भी कितना हैंडसम है यार. वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड जो भी कॉन्टेंट बनाते हैं ऑफकोर्स फैमिली ड्रिवन होता है, कॉन्टेंट ड्रिवन सिनेमा के साथ इनका नाम जाता है. मुदस्सर सर यहाँ पे इतने सारे लोगों को डायरेक्ट किया, खेल खेल में सब बन गया, बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ा अगर डायरेक्टर का कुछ दर्द निकालना हो तो क्या बोलना चाहेंगे? अरे पहले तो सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस मौसम में भी यहाँ पे आए, थैंक यू वेरी वेरी मच. दूसरा ये कि इस जैसी फिल्म में डायरेक्टर का क्या दर्द निकलेगा, इस जैसी फिल्म में तो सिर्फ हम लोगों ने खुशियाँ ही खुशियाँ बटोरी. बहुत अच्छा लगा साथ उम्दा एक्टर्स को साथ अलग अलग किरदारों में डायरेक्ट करके, और आई फील दैट आई मीन द फैक्ट दैट अक्षय सर वानी कुडंट बी हियर टुडे, बट यू कैन ओनली इमेजिन द स्टेज एज इट वुड लुक लाइक इफ ऑल ऑफ अस वर हियर टुगेदर. सो अ बिग शाउट आउट टू देम एंड अ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप यू रियली एंजॉयड द सॉन्ग. We loved it, sir. We just eagerly waiting. Abhi aage kya kya dhamaka hone wala hai. But right now we'll talk about this dhamaka here. Neha ji, main chahunga aap ek kadam aage le lein. Because aise kaise, holi holi,
hold the drink, relax karo, chill karo, enjoy the evening, ladies and gentlemen, as we have चेक चेक ये बेटर है हाँ ओके ये लीजिए थैंक यू तो फरदीन सर यू नो वर्किंग विद दिस ऑनसॉम ऑफ कोर्स अक्षय सर कुड बी हियर टुडे वानी इज नॉट हियर बट टॉक टू अस अबाउट दिस टीम एंड वो सेट्स पे क्या होता था बिकॉज व्हाटएवर वी हैव सीन हियर इज लाइक सुपर फन फर्स्टली थैंक यू मुदा सर फॉर दोस काइंड वर्ड्स आई कांट वेट फॉर माय मदर टू हियर द लवली थिंग्स यू हैव सेड अबाउट मी व्हाट वाज इट लाइक The warmth and love that you saw in the song is what we try to recreate, and I think we've achieved that successfully. We've become friends in the process. We've had a lot of fun working with each other, working off each other, and it's a film about friendships. It's a film about getting to know each other better, and that's exactly how when we all met, we were kind of strangers and we became friends in the process. And there were lots of things I'm sure we've discovered about each other, which some things I can't say on this stage for obvious reasons, but it's been an absolute pleasure. But of course, you know, I got to acknowledge Akshay's discipline. He's someone who's 100 and, well, this will be his 151st film. So, you know, he leading the star cast was someone, you know, his passion, his dedication, his discipline is has to be seen to believe. So I mean, it's having worked with him before, it's always inspiring, and it's such a great opportunity for me to work with him again after so long. And of course, you know, the director is the captain of the ship, and it all starts from him and what the story he's trying to say. And you know, Buddha sir is always, as far as I know, and the best who I know, his films are very true and true to himself, and that's what he's tried to. And that's the spirit in which this film has been made, in very truthfully. So I'm just really happy to be a part of it. And it's going to be my first theatrical in 14 years and my last theatrical. And the irony is my last theatrical was with Mudha sir. So thank you for bringing me back. And I love you, man. Love all of you and love all of you. Thank you so much. Thank you so much. Of course, this time also, we are all set to, you know, see you kill it on that big screen. Jo bhi abhi tak dekha, it is fantabulous. Absolutely. Tapsi, I'll come to you. You know, there's this one thing. Kyun? Kyun? Kaam justify karna hai. Main aa raha hu, aapke paas bhi hai, sabke paas. Quickly, you know, every single time we talk about you, the actor, the performer, ek lag jata hai thappa ki hatke picture karti hai ye bahut. And every single time it has been different. Here, what was that one thing that That you said, हाँ, मुझे मुदस्सर अजीज की ये पिक्चर में आना है. Okay, there were two reasons to do this film. One was किसको कॉमेडी करने में मजा नहीं आता और दूसरा किसको मुदस्सर की लिखी हुई लाइनें बोलने में मजा नहीं आएगा. Absolutely, yeah. I think these were the only two reasons for me to do the film.
मैं एंसेंबल कास्ट करना काफ़ी इन्जॉय करती हूँ. एक्चुअली एक स्ट्रेंज ट्रिविया देती हूँ. 5 साल पहले 2019 में 15 अगस्त को एक पिक्चर आई थी मिशन मंगल. अक्षय सर और मैं साथ में उसमें थे. दैट वाज आल्सो एन एंसेंबल कास्ट. एंड नाउ अगेन होपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड राइट. I've been very lucky with all the films that I've done with sir. It started with Baby, Naam Shabana, Mission Mangal, and now the fourth film with him. And I can only hope it's going to get bigger and bigger. Sure, I'm sure. Ladies and gentlemen, Tapsi Pannu, ek baar zordaar taaliya. Ami Paji, this one's for you quickly. Mujhe jaisa maine kaha abhi kuch time pehle, aapne bhi zikr kiya ki aap aaye the ek Punjabi film ke liye, uske baad ek Hindi film ke liye. जो प्यार था ये हमेशा से इतना ही मिलता जा रहा है ना? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और आई एम श्योर आगे और भी बढ़ेगा. अभी यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सॉन्ग, दिस फिल्म, दिस एंसेंबल, इसके बारे में क्या बोलेंगे? एंड स्पेशली अक्की पाजी जो यहाँ है नहीं इस वक्त. पाजी मैं सच में बहुत मजा आया जी मेरे को. और मतलब जब मतलब फिल्म के लिए हाँ बोली, हाँ मतलब फिल्म के लिए हाँ थोड़ी ना बोली थी हमने, एक जुबान की थी 2-2.5 साल पहले. मतलब मैं मुदस्सर पाजी बैठे थे, मैं कहा पाजी भी आप जब भी आपने फिल्म करनी होती आप प्लीज़ मेरे को बताना कोई भी हिंदी फिल्म. 2-2.5-3 साल पहले तो हम बैठे हुए हैं घर पे, बैठे थे मैं साके पाजी सब बैठे हुए, तो पाजी बोले भी डन जुबान होगी. तो उसके बाद पाजी फिर सारी बातें ख़त्म, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फिर वो हल्की हो जाती हैं सारी बातें. तो जब वो बस अनाउंसमेंट हो गई थी हमारी बैठे बैठे दोनों बीच में, तो हमने कर दी थी. तो बाकी एक आध बार और बैठेंगे 2-3 दिन में, फिर कुछ और अनाउंसमेंट कर देंगे दोनों, तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है. बाकी सर मतलब बाकी सारी चीज़ें जनरली हल्की हो जाती हैं. और लकीली इतना मतलब पता नहीं पाजी परमात्मा के लिए कोई अच्छा काम किया होगा या किसी की दुआ होगी जो इतने अच्छे बंदे इस फिल्म में मिले, सबके साथ काम करने के लिए मौका मिला. और मतलब सब ने इतना प्यार दिया, यू कांट इवन थिंक. मतलब मैं बोलूँ भी मैं आई वाज द लकीस्ट वन. सब ने इतना प्यार दिया, सबको सबको इंडिविजुअली सबको प्यार मिला है. लेकिन बहुत मज़ा आया पूरे सेट पे. हमने मतलब बाहर भी शूट किया, यहाँ पे भी, उदयपुर पे भी, तो जहाँ जहाँ पे भी हम गए हमें बहुत मज़ा आया. और मतलब अक्षय पाजी जैसे होता है ना पाजी भी, एक जो आपका ऑब्वियसली वो हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं, जो वो एक आपका जो सबसे बड़ा बंदा होता है, अगर वो अच्छा हो, वो सबसे सबको अच्छे से रखे, तो सारी टीम बहुत प्यारे तरीके से रहती है. मेरे को सबसे बड़ी बात लगती थी, हम सब जाने पाजी लंच इकट्ठा करते थे सभी. मतलब अक्षय पाजी की एक मतलब वो हैबिट है, वो मतलब एचओडीज होते हैं जो पूरे डिपार्टमेंट के या एक्टर्स होते हैं, वो सभी इकट्ठा बैठ के लंच करते हैं. तो एवरी डे जो हम दोपहर में बैठ के खाना खाते थे, प्रज्ञा ने अलग कोई मछली मंगा रखी होती थी, वानी ने कुछ अलग मंगा रखा होता था, अक्षय पाजी का कुछ अलग बना होता था, तो हम वहाँ पे हम बिरयानी विरयानी साग वाग खाने वाले बंदे, तो हम हमारा छोड़ के इनमें से उठा रहे होते थे. ये मंगवा लेती थी बस वो हीरोइन के चक्कर में भी हमें हेल्थी खाना है, खा ये भी बिरयानियाँ रही होती थी वहाँ पे. तो इन्होंने कभी अक्षय पाजी के प्लेट में से उठा लेना कुछ, मतलब पाजी चिल था, खाना खाने गए थे बेसिकली, और फिल्म बना के आ गए मज़े मज़े में. बहुत इन्जॉय किए पाजी, हम तो मज़े आए चिल चिल में, है ना? ऐसा हो गया, यहाँ पे फिल्म बन गई. थैंक यू पाजी फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट. आदित्य दिस वन्स फॉर यू. यू नो गाने की बात करने आए, गाना लॉन्च करने आए, ऑफ कोर्स टॉक टू अस अबाउट द शूट यहाँ पे, बिकॉज वी हैव सीन दिस बीटीएस दैट इज ऑलरेडी डूइंग द राउंड्स, और उसको बड़ा सारा प्यार मिल रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ आप. यू सी द काइंड ऑफ फन दैट वी आर हैविंग इन द सॉन्ग. तो कई सारे मौके ऐसे थे जहाँ पे सर ने कहा, मुदस्सर सर ने कहा विद पीयूष शाजिया, दे कोरियोग्राफ द सॉन्ग एंड दे डायरेक्टेड इट. उन्होंने कहा कि यार ये यहाँ पे ना जो करना कर लो, जो मन कर रहा है, हम स्टेज पे खड़े एक जगह पे, वहाँ पे कहा जो करना कर लो. और फिर वहाँ पे सारे मतलब कोई अपना टॉकिंग चालू है किसी की, हाँ 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 सब कुछ चालू है, एंड वी आर गोइंग बजर्क. सो दैट्स द काइंड ऑफ फन दैट वी हैड. एंड एक मैं एक मौका आया था, आई सेड यार let me get out of my character and let me just have fun. Wo drone shot chal raha hai aur yahan pe hum log kood rahe hain, naach rahe, ga rahe. I think that's the kind of fun that we've had puri shoot ke dauran. Aap hum jab song ke alawa hum jab baki shoot bhi kar rahe the, to ek shot khatam ho gaya, agla shot lagne wala hai, are kya kare, chalo ludo nikalo yaar, hum log ludo khelte hain. To shot ke beech mein fir
हम क्या डायरेक्टर साहब बड़े हमारे काबिल हैं, तो उन्होंने क्या किया कि हम स्केड्यूल से आगे चल रहे थे, एक आध दिन स्केड्यूल से आगे, जो जो कि होता नहीं है। तो हमारा गेम चल रहा है, आखिर के 5 या 7 मिनट बाकी हैं, सर आते क्या चल रहा है गेम में, अच्छा बाकी कर लो फिर शूट करेंगे। तो हमने लिटरली यही खेल खेल में ये पूरी फिल्म बनाई है, पूरा गाना शूट किया है। लिटरली इट्स बीन द मोस्ट फन दैट आई हैव एवर हैड ऑन अ सेट। Seriously. Thank you so much for sharing that. Ladies and gentlemen, Aditya Seel, Zordar Thalia. Pragya, quickly, you know, when we talk about a Hindi entertainer, we say Hindi picture dekhni hai yaar. And this is, we all are eagerly waiting for 15 August pe aayegi. For you, you know, being a part of this Hindi picture, us sentiment ke baare mein bolo. यार ये तो आप जानते हैं कि जब भी कोई इस देश में एक्टर बनना चाहता है ना, तो यू वांट अ प्रॉपर हीरोइन एंट्री इन अ कमर्शियल एंटरटेनर। इट इज़ ऑल ऑफ दैट, एवरीथिंग दैट आई एवर ड्रीम्ड ऑफ, इट्स देयर इन द फिल्म। और एक्सपीरियंस वाइज लाइक सब ने जैसे बताया है, इट्स द मोस्ट फन फिल्म दैट वन कुड एवर एक्सपेक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ, मतलब वन कैन इवन ड्रीम ऑफ समथिंग लाइक दिस। So just very, very lucky, very grateful that it was such a smooth entry in Bollywood. मतलब वो जो struggle होता ना, पहली picture यार ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, I was treated with so much respect, so much love. All the actors were so helpful. You know, it's a different industry for me. So I had some hiccups, you know, on some days, but I was never made to feel like, you know, like you're new and you need to, it was just so smooth, so wonderful. So just very happy and very grateful. Thank you so much. The entire cast is gaane mein to main bol sakta hu, is slaying it. So thank you so much, Mudassir sir, for doing this for all of us here. Before I invite the producers from Wakao, I would want you to talk about T-Series and of course Bhushan Kumar sahab. You know, achhe music ki baat ho, content driven cinema ki baat ho, unka naam hamesha hi aata hai. Ji, if you can allow me actually 1 minute before that, usually technicians ko unka necessary jo due hota hai wo nahi milta hai. So I want a round of applause to go down for Piyush and Shazia both. They've choreographed this song and my first experience working with them, and definitely not going to be my last. So yes, raha sawal aapka sawal Bhushan ji ko lekar ke tha. Khair, haan ji, ye aa gaye, Piyush Shazia aa gaye. देखिए ये हमारी बैक टू बैक दूसरी आउटिंग है पति पत्नी, और वो वाज व्हेन हिम एंड मी केम टुगेदर फर्स्ट टाइम, भूषण जी एंड मी, दिस इज द सेकंड टाइम अराउंड। ही इज समबडी हु आई हैव ग्रेट फन वर्किंग विथ, बिकॉज एज अ क्रिएटर, एज समबडी हु राइट्स एंड डायरेक्ट्स हिज ओन वर्क, बहुत कम बात उनके और मेरे बीच में होती है, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा की उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई है। There's a reason why he is where he is and, you know, who he is. And his involvement in music, wanting to push a song, creating events around the song. I mean, you know, you can only wish that all producers had the bandwidth to do this and had the inclination to do this as well. So yeah, so it's always a pleasure, and I think this happens and then something else happens after that. So it's okay.
आकांक्षा यहाँ पे लाइट ही लाइट है, लाइट की क्या जरूरत है? आकांक्षा लाइट ही लाइट है, होले होले। यहाँ पे भी वाव, यहाँ पे भी पीछे यहाँ पे आपके लेफ्ट से स्टार्ट करो। अरे यार ये साइड आओ ना थोड़ा सा, मैम मैम आपके लेफ्ट में आओ, आकांक्षा जी आपके लेफ्ट में आओ ना थोड़ा, ये सेंटर इशू इधर, इशू यहाँ पे ईशा जी सेंटर, सेंटर थैंक यू ईशा सोलो, यस 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 बस 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 इसे आवे दो हाय मैम इसे ईशा 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 सेंटर ईशा मुझे सामने आकांक्षा ओ ईशा सामने यहाँ पर सेंटर में भी कॉपी दो यहाँ पर यार थैंक यू एक और ईशा जी और एक बार सामने ईशा बहुत बारिश है ईशा ईशा एक बार हाँ ईशू थैंक यू मैम थैंक यू ऊपर ऊपर अरे यार अंदर बुला लो ना तुम लोग इतना राइट में आओ ना राइट में देखो राइट में यहाँ पर राइट में देखो जाओ Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.